नमस्कार, मैं अवन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। बिहार के दरभंगा जिले के दरभंगा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को तेज धमाका हुआ। सिकंदराबाद से आए एक रजिस्टर्ड पार्सल में दोपहर करीब 3:30 बजे पर विस्फोट हो गया। धमाके के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। मोहम्मद सुफियान नामक व्यक्ति के लिए दरभंगा के लिए पार्सल बुक कराया था। रिपोर्ट के मुताबिक विस्फोट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सरकारी रेलवे पुलिस स्टेशन के एक एलेक्सेटर के पास हुआ। पार्सल में तुरंत आग लग गई, जिसमें दहशत और भय की स्थिति पैदा हो गई। धमाके की आवाज सुनते ही जीआरपी थाना प्रभारी हारून राशिद और रेलवे सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने आग पर काबू पाने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पता चला कि पार्सल में कपड़े और एक बोतल थी। माना जा रहा है कि उसमें विस्फोटक सामग्री भी थी, मतलब जिससे तेज धमाका हो सके, पर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। इसके साथ ही ये भी पता चला है कि 15 जून 2021 को मोहम्मद सुफियान के नाम पर एक पार्सल बुक किया गया था। पुलिस अधीक्षक दरभंगा रेलवे को भी मामले की जानकारी दी गई थी। इस बीच राजकीय रेलवे पुलिस के डीएसपी नवीन कुमार विस्फोट स्थल पर पहुंच गए। अब मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की जाएगी। अच्छी बात ये रही कि विस्फोट में किसी के भी हाथाहाथ होने या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं है। इसी बीच फॉरेंसिक टीम ने विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। वहीं न्यूज 18 ने बताया कि पार्सल में भेजने वाले का नाम और विवरण या रिसीवर मोहम्मद सुफियान का पता नहीं था, चूंकि सुफियान अपना पार्सल लेने के लिए नहीं आया था। ऐसे में पुलिस उसे इस संदिग्ध मानकर चल रही है। आपको बता दें, पिछले साल 5 जून 2020 को बिहार के दरभंगा आजमनगर दुर्गा मंदिर इलाके में स्थित मोहम्मद नाजिर नाम के 50 साल के व्यक्ति के घर में धमाका हुआ था। विश्वविद्यालय थाने के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इस इलाके में हुए धमाके की गूंज 1 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती थी। धमाका इतना जोरदार था कि नाजिर के घर की दीवारें और छत पूरी तरीके से ढह गई थी। परिवार के कई सदस्य घायल हो गए थे। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ये विस्फोटक पटाखों के कारण हुआ था। स्थानीय लोगों ने कहा था कि ये अवैध बम निर्माण के कारण हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि ये सब पुलिस जब खुलासा करती है तो किन किन लोगों का नाम सामने आया था, क्योंकि विस्फोट काफी भारी था। ऐसे में किसी की जान नहीं गई, यही अच्छी बात है। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अमन यादव, वीके न्यूज दिल्ली।